ओके क्लास थ्री इसमें लाईम सो येस्टरडे व्हाट वी हैड डन वी हैड डन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस ठीक है उसमें हमने क्या किया था चूंकि टेंस के अंदर कुछ भी सिंपल का वर्ड नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे और जब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस था तो वहाँ पे हमने प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए थे जो कि क्या थे इज़ एम आर आप हमारा यूनिट नंबर एटीन है द पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस रूल्स वही हैं कॉन्टीन्यूस है इसका मतलब है व्हाट वी आर गोइंग टू डू वी आर गोइंग टू ऐड एन आई एन जी विद अ वर्ब जिस तरह कॉन्टीन्यूस में हम क्या करते हैं स्विम है तो उसको स्विमिंग रीड है तो रीडिंग राइट है तो राइटिंग लर्न है तो लर्निंग ईट है तो ईटिंग ठीक है बेसिकली वी एड एन आई एन जी एट द एंड ऑफ आर वर्ब फॉर द कॉन्टीन्यूस टेंस अब पहले प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस था तो वहाँ पे हमने इज एम या फिर आर का इस्तेमाल किया था यहाँ पर पास्ट कॉन्टीन्यूस है तो पास्ट कॉन्टीन्यूस में हम पास्ट के हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे जो कि क्या है Was और वर फॉर एग्जांपल एट एट ओ क्लॉक लास्ट नाइट आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन ठीक है वॉज या फिर वर हम इस्तेमाल करते हैं इसमें अब आपके पास क्या है फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट संडे मॉर्निंग आई वॉज स्विमिंग ठीक है सो द फॉर्म्स वॉज वॉचिंग एंड वॉज स्विमिंग आर इन द पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस we use the past continuous tense to talk about an action that was going on at the given time यानी कि कोई ऐसा action जो कि उस time पर हो रहा था जिस तरह मैंने आपको कल बताया था कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप घर से आए थे तो आपका भाई क्या कर रहा था तो आप कहोगे कि मैम वो काम कर रहा था या वो सो रहा था ठीक है तो अब आप बेसिकली उस काम के बारे में बता रहे हो जो उस टाइम पे हो रहा था कंटिन्यू था तो आप किस टेंस की बात कर रहे थे पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की बात रहे थे ठीक है इसमें हम दो सिंपल से फ़र्क यही है बाकी सारा प्रेजेंट कॉन्टीन जैसा है सिर्फ डिफरेंस क्या है यहाँ पे हम पास्ट में हेल्पिंग वर्ड जो इस्तेमाल करते हैं वो वॉज इस्तेमाल करते हैं या फिर वर इस्तेमाल करते हैं अब वॉज में क्या है सिंपल है अगर आपके पास आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है जिस तरह आई है आ, उसके अलावा आई हो गया ही हो गया आ, शी है इट है अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ पे आप वर्स इस्तेमाल करते हैं अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है तो आप वर इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो इसमें सिर्फ आपके पास सिर्फ ये एक डिफरेंस है वी ऑल्सो यूज द पास कॉन्टीन्यूस टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट वॉज गोइंग ऑन इन पास्ट या समथिंग दैट हैज हैपन इन पास्ट तो पास्ट में हम बेसिकली बात ही उस चीज़ के रहे होते हैं जो हो हो रही होती है उस दौरान या फिर हो चुकी होती है ठीक है या किसी टाइम पे हुई होती है लेकिन पास्ट में ही हुई होती है फॉर एग्जाम्पल ही वॉज स्टडिंग इन इंग्लैंड लास्ट ईयर नाउ ही वट इज़ द सब्जेक्ट ओवर हेयर ही ही क्या है सिंगुलर है तो यहाँ पर ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा वॉज़ और कॉन्टीन्यूस बनाने के लिए हमने स्टडी study को स्टडिंग कर दिया द बॉयज़ अब बॉयज़ क्या है प्लूरल है ज़्यादा हैं तो यहाँ पर क्या यूज़ किया वर और फिश को हमने फ़िशिंग कर दिया बाय द रिवर बैंक फ़िशिंग का मतलब है मछलियाँ पकड़ना सो दैट इज़ ऑल फॉर टू डे इनशा बाई टमारो विल डू द एक्सरसाइज़